जय हिंद दोस्तों, डिफेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है चीन और ताइवान का जमीनी विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है और आपको ये भी पता होगा कि चीन ताइवान को अपने ही देश का हिस्सा मानता है और लगातार उसको हथियाने की कोशिशें करता रहता है। वैसे आपको बता दें कि हर कोई इस दुनिया में आज की डेट में जमीन के लिए लड़ रहा है और इसी पर चीन भी कार्य कर रहा है। सारे विवादों की जो असल वजह है वो जमीनी विवाद है। अब दोस्तों यहाँ पर अमेरिका के हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का 19 घंटों का ताइवान दौरा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी चीन की बौखलाहट खत्म नहीं हुई है। और दोस्तों आपको याद ही होगा कि चीन नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले ही धमकी दे चुका है और बड़ी मात्रा में ताइवान के आसपास अपने जंगी बेड़ों को साथ ही कई सारे ऐसे हथियारों को लगा चुका है जो कि अक्सर युद्ध में यूज किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है वो डिफरेंट है और यहाँ पर खबर आ रही है कि चीन ने ताइवान सीमा के पास में युद्धाभ्यास करना शुरू कर दिया है। बल्कि चीन की मीडिया की तरफ से ये तक घोषणा की गई है कि कुछ ही घंटों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान पर मिसाइल दाग सकती है। हालांकि दोस्तों कहने और करने में काफी डिफरेंस है। चीन रशिया की तरह नहीं जो आज युद्ध की धमकी दे और कल से युद्ध शुरू कर दे, बल्कि चीन अक्सर ही खोखली धमकियां देता रहता है और चीन अक्सर ही अपनी मीडिया के जरिए दिखावा करता रहता है और इस समय भी वह कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है ताकि पूरे यूरोप का जो ध्यान है वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। खैर दोस्तों, चीन यहाँ पर ताइवान के साथ जंग लड़ेगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस समय जो चीन ताइवान के साथ व्यस्त है और इसी बात का फायदा उठाकर भारत ने मालदीप में बड़ा कांड कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि मालदीप में अपनी मरीन सिक्योरिटी के लिए भारत करीब 24 जहाज मालदीप के लिए रवाना करने की घोषणा कर चुका है। और दोस्तों मालदीप वो जगह है जहाँ पर खनिज पदार्थों की पूरी भरपूर मात्रा है और साथ ही मालदीप के रास्ते काफी सारे विदेशी मालवाहक जहाज भी गुजरते हैं। और आपको पता ही होगा कि चीन इसी द्वीप पर कब्जा करने की मंशा रखता है ताकि मालदीप से खनिज संपत्ति को निकाला जा सके और मालदीप में अपने सैन्य अड्डे जमा सके। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हिंद महासागर में अगर पूरी तरह से किसी भी गतिविधि पर ध्यान रखना है तो मालदीप पर कब्जा करना बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल के लिए भारत के रहते वो ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि चीन के कुछ करने से पहले ही भारत ने मालदीप सरकार से बात करके इंडिया मालदीप मरीन सिक्योरिटी की स्थापना कर दी है और इसी को बेहतर बनाने के लिए भारत की तरफ से करीब 24 जहाज मालदीप भेजे जाएंगे जिसमें वॉरशिप्स, लैंडिंग क्राफ्ट और असॉल्ट शिप और कई सारी नेवल गश्ती बोट शामिल होंगी। और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि भारत की तरफ से 50 मिलियन का यहां पर क्रेडिट भी मालदीप को दिया जा रहा है जिससे मालदीप कभी भी चाहे तो भारत से बड़े हथियार खरीद सकता है। और दोस्तों यहां पर भारत का दोनों तरह से फायदा होने वाला है, एक तो भारत यहां पर मालदीप के साथ अच्छे रिश्ते बना रहा है, साथ ही भारत यहां पर व्यापार भी कर रहा है। और आपको याद होगा कुछ समय पहले तक चीन यहां पर मालदीप में कब्जा करने की कोशिश कर रहा था और जो मालदीप में सरकार थी वो भी चीन के इशारों पर नाचा करती थी, लेकिन अब भारत यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करा रहा है। हालांकि अगर मालदीप में भारत के जहाज एक्टिव हो जाएंगे तो हिंद महासागर की सीमाएं और भी ज्यादा बढ़ाई जाएंगी और साथ ही भारत यहां पर और भी ज्यादा नए बंदरगाह बना सकता है और मोटे पैसे भी कमा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।